तो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल सुकृत इज लाइफ। तो गाइस आज हम बात करने वाले बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, यानी कि हमारा पबजी मोबाइल क्या दोबारा, जो कि आने वाला है, क्या दोबारा भारत में बैंड हो सकता है। जी ये एक बड़ी खबर है और आज हम बात करने वाले इसी टॉपिक के बारे में, क्या पबजी मोबाइल इंडिया बैंड हो सकता है दोबारा भारत में। तो चलिए आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर जो एक बात चल रही है कि अरुणाचल प्रदेश के एक MLA आप कह सकते हैं, तो उन्होंने प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी को एक लेटर लिखा है कि पबजी मोबाइल इंडिया भारत में आ रहा है, यानी कि पबजी फिर से वापस आ रहा है और ये जो है टेंसेंट के साथ ही वापस आ रहा है, ऐसा उन्होंने लेटर में लिखकर कहा है। बस कुछ माइनर चेंजेस यहाँ पर पबजी वालों ने किया है, नाम चेंज किया और कुछ मतलब अंदर का और बहुत ही कम चेंजेस किया है और हो सकता है कि ये दोबारा बैंड हो जाए। अरुणाचल प्रदेश के MLA ने ऐसा कुछ PM मोदी जी को मतलब लेटर लिखा है और ट्वीट किया है। तो अभी तक तो मतलब मोदी जी के तरफ से कोई भी मतलब आया नहीं, रिस्पॉन्स आया नहीं कि क्या करना होगा या क्या कर सकते हैं अभी मोदी जी, क्योंकि देखो अभी जो कि है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी कि हमारा पबजी प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है गूगल प्ले स्टोर में। अगर ये बैंड हो सकता था तो उससे पहले, यानी कि गूगल प्ले स्टोर में आने से पहले हो सकता था, लेकिन अभी भी ये बैंड नहीं हुआ। तो अब मैं बात करूँगा क्या ये बैंड हो सकता है। देखिए अभी तक तो कोई मतलब चारा है नहीं कि ये बैंड फिर से होने वाला है, क्योंकि अभी तक PM मोदी जी ने भी कुछ कहा नहीं और ये मैं बोल सकता हूँ कि अभी ये जो गेम है ये बैंड नहीं होने वाला है, क्योंकि आप कोई भी चाइना के साथ कोई भी संपर्क नहीं है। तो गाइस और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल बहुत ही जल्दी आने वाला है। आज ही उन्होंने एक इंस्टाग्राम में पोस्ट क्रिएट किया है जहाँ पर एक चाय के साथ एक पिक है, वहाँ पर ठीक नीचे आप देख सकते हैं कौन सा मैप आने वाला है और इरंगेल लिखा हुआ है। तो आप समझ ही सकते हो कि इरंगेल मैप के साथ फिर से बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी कि हमारा पबजी मोबाइल फिर से भारत में वापस आ रहा है। और अब मैं बात करूँगा कब आ रहा है, आप तो समझ लीजिए 10 तारीख से पहले ही आपको मिल जाएगा ये गेम देखने के लिए।